हेलो एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी छिलके वाली मूंग दाल की खिचड़ी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है और बहुत ही ये टेस्टी और हेल्दी बनते हैं। आप लोग भी इस तरीके से एक बार खिचड़ी बना करके देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। तो इस खिचड़ी को हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीजों की जरूरत है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप छोटे वाले चावल। ये हमने छोटे साइज के चावल लिए हैं। अगर आपके पास कोई भी चावल है जो जनरल यूज होते हैं घर में, वही आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम चावल को एक बाउल में डाल देंगे और साथ ही साथ हमने 1 कप छिलके वाली मूंग दाल लिया है और उसे भी हम चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी दाल का यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो दाल और चावल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे और इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 पानी से, साफ पानी से हमने अच्छे से धो लिया है और इसे हमने छान लिया है। अब इसे हम एक साइड कर देते हैं और आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने खिचड़ी में डालने के लिए कुछ सब्जियों का यूज किया है, जैसे कि 1 बड़े साइज का प्याज, जिन्हें हमने लंबे साइज में कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे और 1 गाजर को हमने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 बड़े साइज का आलू लिया है। आलू हमने इसमें ज्यादा डाला है क्योंकि मेरे घर में सबको आलू खिचड़ी में बहुत ही पसंद है। आपके पास जो भी अवेलेबल है सब्जी, आप खिचड़ी में डाल करके उसे हेल्दी बना सकते हैं। और अब हमने लिया है 1 बड़े साइज का टमाटर, उसे भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 2 चम्मच हमने बारीक लहसुन लिया है, कटा हुआ लहसुन हमने ज्यादा लिया है ताकि हमें आगे तड़के में भी काम आए। अब हम सभी सब्जियों को एक साइड करेंगे और चलते हैं आगे की ओर। तो गैस ऑन करके हमने 1 प्रेशर कुकर चढ़ाया है और उसमें हमने डाला है 2 चम्मच देसी घी। आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन खिचड़ी घी में बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनती है। तो घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें कुछ फोरन ऐड करेंगे। तो फोरन में मैंने लिया है 1 तेज पत्ते के टुकड़े, 1 चम्मच लेंगे हम साबुत जीरा, लाल मिर्च हमने लिया है 1, उसे हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है, 1 चम्मच लेंगे हम लहसुन बारीक कटा हुआ। और अब हम सारे फोरन को अच्छे से चटकने देंगे। तो जैसे ही फोरन लाल हो जाएगा तो इसमें हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्च को हमने इस तरह से बीच में चीरा लगा दिया है, देख सकते हैं। तो हरी मिर्च को हमने अच्छे से इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे और उसे भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो प्याज को हमें गुलाबी होने तक भून लेना है। तो प्याज हमारे जब तक भून रहे हैं, तब तक हम इसमें 6 से 7 कड़ी पत्ता डाल देंगे और उसे भी हम साथ साथ भून लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से गुलाबी होने तक भून लिया है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। तो जैसे ही प्याज भून जाएंगे, इसमें हम आलू डाल देंगे और उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो करीब 1/2 मिनट तक हमने आलू को भी भून लिया है। और आलू जैसे ही भून जाएंगे तो इसमें हम गाजर ऐड कर देंगे और गाजर को भी साथ साथ भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने गाजर को भी 1/2 मिनट के लिए भून लिया है। तो जैसे ही गाजर भून जाएंगे, इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को भी हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर है, वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे जो जनरल किचन में हमें अवेलेबल होते हैं, वही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच लेंगे हम गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर का भी यूज किया है। अब हम सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें धुली हुई दाल और चावल डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 मिनट तक हम चावल और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चावल दाल अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना आपने चावल दाल लिया था। तो मैंने 1 कप चावल और 1 कप दाल लिया था, तो 2 कप हो गए कुल मिला करके। तो उसी कप से हम 3/3 कप पानी ऐड करेंगे। जैसे 2 कप चावल दाल लिया था, तो अब हम 6 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 6 कप की जगह आप 7 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतली खिचड़ी पसंद है तो आप इसमें 7 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे भी 6 कप ही पानी ऐड किया है। और अब हम पानी डाल करके अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी को अच्छे से चावल दाल में मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले इसमें ऐड नहीं किया था, क्योंकि हमें इसमें देखना था कि कितना पानी और चावल होते हैं, उसी हिसाब से हम अंदाज से इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देंगे। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है एक बार फिर से, उसके बाद हम इसमें कवर कर देंगे। तो प्रेशर कुकर को हम इस तरह से कवर कर देंगे और इसे 4 विसल्स आने तक कुक करेंगे। और गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है ताकि खिचड़ी है वो धीमे धीमे आँच पर अच्छे से कुक हो जाए। तो 4 विसल्स आ गए थे, अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि खिचड़ी है वो बन करके तैयार हो गए हैं, लेकिन खिचड़ी अभी थोड़ी गाढ़ी है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि खिचड़ी पतली हो सके। मेरे यहाँ सबको पतली खिचड़ी ही पसंद है ज़्यादा, तो इसे हम थोड़ा सा और पतला कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गर्म पानी ऐड कर दिया है, अब हम खिचड़ी को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने खिचड़ी को एक बाउल में निकाल लिया है और इसके ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इस तरह से खिचड़ी को सर्व कर सकते हैं, तो लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और टेस्टी बना रही हूँ, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा स्पेशल तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए फिर से हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस ऑन करके हमने तड़का पैन चढ़ाया है और पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो चुके हैं, अब इसमें हम 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चुटकी हम इसमें हींग डाल देंगे। लाल मिर्च साबुत डालेंगे 2 और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर तड़का हमारा तैयार हो गया है, अब इसे हम खिचड़ी के ऊपर डाल करके इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने खिचड़ी में तड़के को डाल दिया है और देख सकते हैं कितने यमी लग रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ही डिलीशियस बने थे, इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो आप जब भी तड़का लगाएं खिचड़ी में तो घी में ही लगाइएगा, बहुत ही यमी लगते हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी खिचड़ी की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।